क्या रिपोर्ट है? आज पेश कर दें? आज नहीं, नहीं तो एक हफ्ते का रिमांड है ना। एक हफ्ते का ना, इलाज तो करना पड़ेगा। तो लाइव तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। सीआईए की टीम है, आज फिर से इन तीनों को पेश किया गया है रूटीन की, जो मेडिकल है रूटीन का, उसके लिए जो है इन्हें पेश किया गया है। लेकिन अभी भी मुख्य सरगना जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस की कई टीमें जो हैं मुख्य सरगना राजू को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी मुख्य सरगना जो है अभी फरार है। ये दो ये हैं अंदर, और एक जो है वो है। तीन लोग जो है बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अभी एक जो है अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। सीआईए की टीम जो है आज इन्हें पेश करने के लिए फिर से लेके आई है। आपको पूरा मामला बता दें कि यह मामला जो है मतरोडा थाना क्षेत्र के अंडर आने वाले एक डेरे में शुरू होता है। लूटपाट होती है, महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, उसके बाद एक महिला की हत्या की जाती है और जो हत्यारे हैं वो आराम से फरार हो जाते हैं। तभी से पुलिस की कई टीमें जो हैं लगी हुई थी। फिलहाल आपको ये तस्वीर एक बार पहले देख लो, उसके बाद जो है सारा मामला फिर से बताएंगे। आज तीनों को फिर से जो है सीआईए की टीम लेकर आई है पेश करने के लिए, लेकिन अभी मुख्य सरगना राजू जो है, राजू उर्फ राजीव, वो जो है अभी भी फरार बताया जा रहा है। अभी पुलिस के हाथ जो है सारे मामले में खाली बताए जा रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में टीम जो है जुटी हुई है, सीआईए की टीम और जो बाकी टीमें हैं वो जुटी हुई हैं मुख्य आरोपी मुख्य सरगना को ढूंढने के लिए। हालांकि 7 दिन का जो है रिमांड लिया गया था, उसमें 4-5 दिन बीत गए हैं। अब जो है रूटीन मेडिकल के लिए फिर इन्हें जो है लाया गया है सिविल अस्पताल में, उसके बाद रिमांड खत्म होने के बाद जो है इन्हें पेश किया जाएगा। अच्छे क्लू जो है पुलिस के हाथ में लगे हैं, अच्छे सबूत जो है पुलिस के हाथ में लगे हैं, और इस सारे मामले में जो मुख्य सरगना है बताया जा रहा है राजू, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अगर जो वो राजू पकड़ा जाता है तो जाहिर तौर पर बड़े जो घोटाले हैं, बड़े जो मामले हैं और जो जितने मामले हैं वो सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल लाइव तस्वीरें सीआईए की देख रहे हैं। सीआईए जो है आज पेश मेडिकल के लिए जो है इन्हें लाई है, और उसके बाद जो है इन्हें 2-3 दिन बाद जब इनका रिमांड खत्म हो जाएगा तब इन्हें जो है पेश किया जाएगा। ये तीनों तस्वीरें, तीन लोगों की तस्वीरें जो है आप लोगों को वैश्व पानीपत के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। मामला आपको बताया है कि महिलाओं की इज्जत लूटने के बाद एक की हत्या कर दी गई थी, और 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी उन दरिंदों ने की थी, और उसके बाद वो लोग फरार हो गए थे। मामला पूरे हरियाणा में गूंजा, और पानीपत पुलिस जब तभी से लगी हुई थी कि इस मामले को जो है इस मामले का पट्टाक्षेप हो जाए। हालांकि पुलिस ने जल्दी इस मामले को सुलझा लिया था, लेकिन अभी तक मुख्य सरगना जो है अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और पुलिस चाह रही है कि जल्द से जल्द जो है वो आरोपी, बाकी जो बचे हैं आरोपी, वो पकड़े जाएं। अभी तक के खुलासे की बात करें तो पुलिस के हाथ काफ़ी जो सबूत हैं वो लगे हैं, लेकिन जब तक मुख्य सरगना जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं होगा तब तक जो है पुलिस मामले में खुलासा नहीं कर रही है कि क्या क्या जो हैं उनके हाथ में सबूत आए हैं। अभी आपको ये भी बता दें कि जय भगवान नाम का एक जो लड़का है उसका जो पैर जो है टूटा था, पानीपत के डिमाणा गांव से पानीपत पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। एक की भागने के दौरान टांग टूट गई और मौके से 3 बदमाशों को पकड़ लिया। एक मुख्य सरगना फरार है। उस सरगना के पकड़ने के बाद एक पूरा का पूरा जो गिरोह है पानीपत के सराउंडिंग एरिया में, ये लोग लूट, डकैती और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके निकल जाते थे। अगर जो राजू पकड़ में आ जाता है तो जाहिर तौर पर पूरे के पूरे गिरोह का पट्टाक्षेप जो है वो हो सकता है, लेकिन अभी तक इस मामले में राजू पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और कई मामले राजू के ऊपर दर्ज हैं। और आपको बता दें कि 11 साल ये लोग जेल में रहे हैं, और जेल में ही इनकी दोस्ती हुई, जेल में जो है गिरोह बना लिया था, और ये इतने शातिर हैं कि जब भी ये चोरी या डकैती या लूट करने जाते थे तो मोबाइल अपना बंद कर देते थे, और जिस समय ये सारा मामला होता था उस समय एक दूसरे से संपर्क नहीं रहता था, और फिर ये लूटपाट जो थे करते थे। अभी इस मामले की जो आगामी कार्रवाई है वो CIA 3 के पास है, और तीनों टीमें जो थी इस मामले को सुलझाने में लगी थी। कुछ दिन पहले SP पानीपत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस सारे मामले की जानकारी भी दी थी। तो फिलहाल
आप वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से जुड़े हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। अभी मुख्य सरगना जब पेश होगा तब हम इस मामले में सारी हिस्ट्री जो है फिर से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अब ये है कि तीनों बदमाशों को आज फिर पानीपत के सिविल अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया है और चौथे जो आरोपी है, जो मेन सरगना है राजू, उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पानीपत के सिविल अस्पताल से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, अगर इसमें कोई भी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।